डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने संगठित बाजार के अंदर मुद्रा बाजार का उपकरण पढ़ रहे थे, और लास्ट वीडियो में हमने ट्रेजरी बिल के बारे में बात की। ट्रेजरी बिल क्या चीज होती है? जो गवर्नमेंट द्वारा कुछ अपनी छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरा करने के लिए जो पेपर मार्केट में निर्गमित किया जाता है, एक सिक्योरिटी मार्केट में निर्गमित की जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्रेजरी बिल, जिसके थ्रू उनको अल्प अवधि के लिए, एक वर्ष से कम के लिए या एक वर्ष तक के लिए उनको लोन मिल जाता है, ऋण मिल जाता है। ठीक है, आज अपन बात करते हैं दूसरे वाले उपकरण की, जो है जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको कौन यूज करता है? बैंक। पहले वाले ट्रेजरी बिल को कौन यूज कर रहा था? गवर्नमेंट। और जमा प्रमाण पत्र की बात करें, जिसको कौन यूज कर रहा है? बैंक। देखो, आपका एक कंसेप्ट मैं इसमें क्लियर कर दूं, ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र हो, चाहे वाणिज्यिक पत्र हो, ये सब चीजें क्या होती है? जिस तरह से अगर आप सिंपल सब चीजों को भूल जाए, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तब जब आपको पैसे कंपनी को किसी कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो कैपिटल जुटाने के लिए क्या करती है? मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये इश्यू करती है, निर्गमित करती है, करती है। इसी तरह से जब उसको शॉर्ट टर्म के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए जब लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करती है? ट्रेजरी बिल नाम से सिक्योरिटी इश्यू करती है मार्केट के अंदर, जिसको कोई भी इन्वेस्टर, चाहे कंपनी हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे और कोई भी हो, वो उसको खरीद सकता है। और क्या कर रहा है? जैसे मान लो उसकी वैल्यू 1000 रुपये, 1000 रुपये लेके उसने खरीद लिया, और इसकी वजह से क्या हुआ? 1000 रुपये गवर्नमेंट को मिल गए या फिर बैंक को मिल गए। तो हमेशा ये चीज़ क्लियर रखना, ये भी एक तरह के बॉन्ड पेपर ही है, जिनको मार्केट में सेल किया जाता है, बेचा जाता है, निर्गमित किया जाता है, इश्यू किया जाता है, और उसके थ्रू, उसके द्वारा पैसे जुटाए जाते हैं। तो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट द्वारा यूज किया जाता है, और जमा प्रमाण पत्र बैंकों के द्वारा यूज किया जाता है। तो बैंक को जब पैसे की जरूरत पड़ती है लघु अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए, तब उसको अपन क्या कहते हैं? सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये 1989 से चल रहा है, मार्केट के अंदर प्रचलन में है, 1989 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसका प्रयोग बैंकों द्वारा किया जाता है, तब के लिए अपने तात्कालिक धन की कमी की पूर्ति के लिए, तत्काल अभी चाहिए, इमीडिएटली जो पैसा चाहिए, जो धन की कमी पड़ रही है उसको पूरा करने के लिए। धन की कमी क्यों पड़ती है शॉर्ट टर्म के अंदर? जैसे कई बार बैंक आ गया, मार्च का टाइम आ गया, टैक्स भरना है, ठीक है, टैक्स के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, कुछ समय के लिए पैसा चाहिए, सीजनल कोई ओकेजन आ गया, लोगों को पे करना है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इनसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई बार क्या होता है, कुछ समय के लिए अपने पैसे की जरूरत पड़ती है, तो एक वर्ष तक के लिए इसका उपयोग बैंक तत्काली धन की कमी की पूर्ति के लिए करता है। एक वर्ष के लिए ऐसा लोन आपको बैंक पैसे जुटा सकते हैं, एक वर्ष तक के लिए। बैंक से अपने ग्राहकों को अधिसूचित अवधि के लिए, अधिसूचित अवधि मतलब प्री डिसाइड, प्री इन्फॉर्म, पहले से सूचना दी हुई है कि ये एक वर्ष का है, मैंने एक वर्ष तक क्या 6 महीने का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 4 महीने का हो सकता है। तो मान लो 6 महीने के लिए उसने कहा कि मुझे 6 महीने तक के लिए मैं आपको सर्टिफिकेट डिपॉजिट दे रहा हूँ, मान लो बैंक को 50,000 रुपये की जरूरत है, बैंक ने कह दिया 50,000 रुपये का 6 माह का आपको सीडी दे दिया, बेचने के लिए मार्केट में दिया, और आपने उसको खरीद लिया, तो आप 6 महीने तक क्या कर सकते हो? 6 महीने तक उससे पैसा नहीं ले सकते हो। 6 महीने बाद आप उससे अगर वो पेमेंट नहीं करता है, तो 6 महीने के बीच में अगर वो चाहता है बैंक पेमेंट करना, आपको बीच में कर सकता है, लेकिन अगर बैंक 6 महीने तक वो पेमेंट नहीं कर सकता, तो आप पेमेंट के लिए उससे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो 6 महीने के लिए उसने अधिसूचित अवधि के लिए आपको जारी कर दिया, बता दिया कि इस अवधि तक के लिए चाहिए, अगर आप इतना पैसा इस अवधि तक रोक सकते हो तो दिया जाएगा। साथ में यह नेगोशिएबल भी है, नेगोशिएबल क्या चीज होती है? आप इसके ऊपर नेगोशिएट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, इसको डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है, या भाई 50,000 की 48,000 दूंगा आपको, तो ये नेगोशिएबल भी है। और तीसरा ये ट्रेडेबल भी है, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, 1 महीने बाद ही जरूरत पड़ गई, आपने क्या किया, मान लो ये मैंने ये पर्सन ने खरीदा था, ये पर्सन ने 50,000 का सीडी 6 महीने के लिए खरीदा था, उसने क्या किया, उसको पैसे 1 महीने की जरूरत पड़ी, उसने उसको बी को 49,000 में सेल आउट कर दिया, ब्याज मिल रहा है आपको। इस पर एक चीज और ध्यान रखना, आपको उसमें ब्याज मिलेगा निश्चित अवधि दर से, निश्चित दर जो फिक्स रेट होगी उससे आपको ब्याज भी इसमें मिलता रहेगा, ब्याज की कमी आपको नहीं मिलेगी। बट आपने 49,000 बेचा, 1,000 रुपये कम में बेच दिया, अब ब्याज जो होगा वो बी लेगा, और साथ में उसको 49,000 रुपये का वहाँ पे कम में खरीदेंगे, वैसे वहाँ पर फायदा हो चुका है। तो ये कैसा चीज़ है, ये अधिसूचित अवधि के लिए जारी होता है, जो नेगोशिएबल है और ट्रेडेबल भी है, आप इसको मार्केट के अंदर वापस से बेच सकते हो, बाजार के अंदर ट्रेडेबल है, आप इसको रिसेल कर सकते हो। तो ये चीज़ क्या होगी, सबसे पहली चीज ये प्रचलन में 1989 से बैंकों द्वारा इसका यूज किया जाता है अपनी धन की कमी को पूर्ति करने के लिए, और ये निश्चित अवधि के लिए होता है, जो नेगोशिएबल भी है और ट्रेडेबल भी है।
बैंक। अब एक क्या हो रहा है कि जो वित्तीय संस्थान है, जो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है, जो जमा स्वीकार नहीं करती है, मैंने बताया बैंक कौन सी होती है और दूसरी वित्तीय संस्थान कौन सी होती है, जो आपको कासा मैंने बताया था, जो कासा आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट इसकी सुविधा प्रदान करता है, वो बैंक, और उसके अलावा जो भी संस्था है वो वित्तीय संस्था ही कहलाएगी। तो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कहा था हम भी इसकी यूज करने की उनको परमिशन दो, हम भी इसको बेचना चाहिए, हमको भी पैसे की कमी पड़ती है इसके लिए, जैसे आपका जो LIC है, एक्सिम बैंक है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, है ना, ये सब वित्तीय संस्थानों में कराते हैं, GUI है। तो उन्होंने क्या दिया, सर हम तो पैसे, हमको भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है, हमको भी कमी पड़ सकती है पैसे की, हमको भी इसकी अनुमति दो। तो 1993 के अंदर क्या किया गया, RBI द्वारा इनको भी अनुमति दे दी गई कि आप इसका यूज कर सकते हो। बट इसके अंदर एक डिफरेंस क्या आया, जो परिपक्वता अवधि थी, मैच्योरिटी डेट जो थी, पीरियड जो था, वो बैंकों के लिए 1 वर्ष ही रहा, बट ये अगर इसको क्या मिल गया, 1 से 3 वर्ष का टाइम मिल गया, ये 1 से 3 साल के लिए दे सकती है सीधी, और बैंक जो है अभी तक भी 1 वर्ष के लिए ही सीधी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा सीधी वो नहीं दे सकते हैं। तो ये था आपका जमा प्रमाण पत्र। फिर अगला आता है वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर, CP। इसके अंदर क्या चीज होती है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा यूज किया जाता है। तो आपको याद कर रखना है, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट द्वारा, जमा प्रमाण पत्र बैंक द्वारा, और ये जो है ये कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। वाणिज्यिक पत्र जो है वाणिज्य, कॉमर्स, इसका नाम से पता चल रहा है कॉमर्स, कॉमर्स का काम कौन करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर करता है, ठीक है। कॉमर्स मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का आदान प्रदान करना और उससे रिलेटेड ट्रेड करना, मार्केट में इन्वेस्टर्स को कि आप आओ और हमारे कमर्शियल पेपर को खरीदो। ये 1990 से 1990 से इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा। बट इसके अंदर एक क्लॉज आता है, इसके अंदर कुछ 2 शर्तें हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स को माननी पड़ती है, कि हर कोई कंपनी, हर कॉर्पोरेट सेक्टर, हर कोई कंपनी इसके अंदर CPs को इश्यू नहीं कर सकती है। उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या चीज होती है, सबसे पहली चीज ये है कि वो स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं भारत के अंदर, 2, NSE एंड BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर लिस्टेड होनी चाहिए। लिस्टेड मतलब क्या होता है, सूचीबद्ध होनी चाहिए। सूचीबद्ध या लिस्टेड की बात करें तो ऐसी कंपनियां जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा के थ्रू खरीदे और बेचे जाते हैं, और वहां पे जो रजिस्टर्ड है कंपनियां उनको अपन क्या कहते हैं, लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। तो पहली शर्त क्या है, वो वहां पे लिस्टेड होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जो उसकी वर्किंग कैपिटल है वो 5 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल क्या है, 5 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स 5 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो दो शर्त दो पूरी करता है, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना, लिस्टेड होना, या और वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा होना। जिनकी ये दो शर्तें पूरी होती है वही कंपनी वाणिज्य पत्र या कमर्शियल पेपर्स को इश्यू कर सकती है। इसके अलावा जो RBI द्वारा मान्यता प्राप्त 7 श्रेणी एजेंसी, 7 श्रेणी एजेंसी क्या चीज होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो क्रेडिट रेटिंग देती है आपको, उस एजेंसी से आपको क्रेडिट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो कंपलसरी है, अनिवार्य है, तो ही आप मार्केट में CP इश्यू कर पाओगे। तो ये थे 3 अभी ऑप्शन हमने पढ़े हैं, सबसे पहला ट्रेजरी बिल, दूसरा जो गवर्नमेंट द्वारा यूज किया जाता है, दूसरा जमा प्रमाण पत्र जो बैंकों के द्वारा यूज किया जाता है जिसको CP कहा जाता है, और तीसरा है वाणिज्य पत्र, कमर्शियल पेपर, जिसको CP कहा जाता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा यूज किया जाता है। तो ये थे, इसके अंदर कोई इश्यू हो तो आप मुझे फॉर्म करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी के उपकरण अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।